हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप दैट यू आर फाइन। वेलकम टू ब्रूम डॉट डॉक्टर वंस अगेन। होप आपके यहाँ सब कुछ बढ़िया है और बच कर रहे हैं कोविड से। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के मन में था कि कहीं DJI की ऐप, जिसको हम उड़ाना जिससे हम ड्रोन उड़ाते हैं, कहीं वो तो बैन नहीं हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड ये मैंने वीडियो बनाया है। होप आपको ये जानना होगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इस से रिलेटेड में, इस रिलेशन में, कि DJI की ऐप बंद होगी या नहीं होगी, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, जरूर आपको इस बात का पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आप फ्रेंड्स, काफी चाइनीज ऐप बंद हो चुकी हैं, वो सबको मालूम है। TikTok बंद हो गई, उसके साथ 40-50 ऐप्स और भी बंद हो गई हैं। अब DJI की ऐप भी चाइनीज है, तो काफी इंडियंस के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास ड्रोन है और DJI की ऐप तो कहीं बंद नहीं हो जाएगी। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, फिलहाल एट प्रेजेंट ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसका मैं रीजन आपको ये देता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी ऐप्स हैं इंडिया में जो कि चाइनीज बेस की हैं। जैसे एग्जांपल Zoom ऐप अभी भी चल रही है, काफी सेक्टर्स में उसको यूटिलाइजेशन की जा रही है, काफी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके ऊपर। तो Zoom को जो प्रॉब्लम थी कि वो डाटा इनक्रिप्शन और एंड ऑल दैट, वो उनको एक चेतावनी दी गई थी, उसके बाद उन्होंने वो सब कुछ अपना ठीक कर लिया है। तो बहरहाल मेन मैसेज हमारा यही है यहाँ पर कि जो Zoom की तरफ से जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया गया, तो इससे अभी थ्रेट नहीं है। और ज्यादा ऑन द हैंड अगर इसको ओवरऑल देखते हैं तो उसके यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है। बहरहाल इसको काउंटर करने के लिए काफी रिलायंस जैसी कंपनी ने भी वैसी मीटिंग्स की एप्स लॉन्च कर दी हैं, लेकिन फिर भी Zoom ऐप काफी लोगों को समझ आ गई है। काफी पुराने लोग जिनको कंप्यूटर में इतना हाथ नहीं है, उनको ये समझ आ गई और वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसी लिहाज से Zoom ऐप को बंद नहीं किया जा रहा। उसी के बेसिस में आपको मैं बता रहा हूं कि DJI की ऐप भी अभी बंद करने का कोई आशंका नहीं लग रही है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं कि 21,000 ड्रोन्स ऑलमोस्ट हैं इंडिया में, जो कि अनलिस्टिंग हुई थी पीछे। 21,000 ड्रोन्स हैं और इंडिया की पॉपुलेशन आप लगाएं तो उसके हिसाब से बहुत कम परसेंटेज लोगों के पास ड्रोन्स हैं। तो इसका मतलब जो डाउनलोड्स हैं ऐप के, उन्हें डाउनलोड किए होंगे जिनके पास ड्रोन है। तो सिर्फ 21,000 डाउनलोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। टिकटॉक काफी ज्यादा तादाद में, जितनी ऐप जो बंद की गई हैं, तो काफी ज्यादा तादाद में इंडियंस ने डाउनलोड कर रखी थी अपने फोन्स के अंदर। अब जहां तक DJI की ऐप का बात है, तो वो सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके पास DJI का ड्रोन है, और DJI का ड्रोन सिर्फ 21,000 लोगों के, 21,000 ड्रोन पाए गए इंडिया के। और सबसे अभी ये नहीं पता कि सब DJI के हैं या नहीं, तो मतलब काफी कम तादाद में है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई आशंका नहीं लग रही है कि आपका DJI ऐप को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे। लेकिन ये सर्टेन भी नहीं है, हो सकता है अगर लड़ाई हो गई चाइना बॉर्डर पे, जैसा हालात चल रहे हैं, तो उस सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप घबराएं मत, DJI ऐप अभी फिलहाल बंद नहीं होगी, और यही मेरा जो एनालिसिस है वो बताता है। इसके अलावा आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है और भी कुछ आपके पास अपडेट है जो आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वी आर देयर, एंड शेयर करेंगे तो डिस्कशन होगी तो अच्छा लगेगा। तो यही था वीडियो आज ड्रोन्स का। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।